गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सी वी एम हायर सेकेंडरी, जिसको हम टी पटेल के नाम से जानते हैं। माई नेम इज़ मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 11 स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 7, इंडियन इकोनॉमिक्स। हमारे अगले लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसका इंट्रोडक्शन दी मैंने आपको दिया था कि हमारे इंडिया में पहले क्या था, वो इंडिया को क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया। धीरे धीरे वो क्या है, ब्रिटिशर, डच पीपल, पोर्टुगीज आके यहाँ अपना ब्रिटिश रूल जमाया, बराबर। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। एंशंट इंडिया के बारे में हमने देखा था। आज हम उसमें देखने वाले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस क्या, एंशंट इंडिया हैज प्री डिटरमेंटली एन एग्रीकल्चर नेशन। मीन्स क्या है, तो कि इंडिया क्या है, एक खेती प्रधान देश है। इसमें ज़्यादातर रूरल एरिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ किसके ऊपर इनकम डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर, बराबर। द इकोनॉमी वॉज मेनली रूरल इकोनॉमी। बताया मैंने कि इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर। तो हाउएवर सम बेसिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो एक्साइटेड एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर वेयर बोथ प्रोस्पेक्टस। मीन्स एग्रीकल्चर के डिपेंड कौन है, इंडस्ट्रियल, बराबर। एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री कुछ काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि छोटी से छोटी चीज, फॉर एग्जाम्पल जिंजर ले ले हम, बराबर। तो जिंजर होगी तो उसका पाउडर जो बनाना है तो वो कौन बनाएगी, इंडस्ट्रीज। तो जिंजर ही एग्रीकल्चर के अंदर आती है। एग्रीकल्चर उसका कोई उत्पादन नहीं होगा तो उसका कोई पाउडर कहाँ से बनेगा, बराबर। तो हमें मेन क्या है, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, बराबर। इंडिया मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और उसमें एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है, मानसून। मानसून ही नहीं होगा, बारिश ही नहीं होगी तो कहाँ से हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे, तो सूखा आ जाएगा, बराबर। ज़्यादा बारिश आ गई तो भी हमारा एग्रीकल्चर क्या होगा, कम से कम होगा, बराबर। तो अब देखते हैं, द बेसिक इंडस्ट्रीज एंड एक्साइटेड आर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आर बहुत प्रोस्पेक्टस। तो वो हो गया सेकेंड वन, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज प्रोस्पेक्टस एंड वेरियस वेराइटी ऑफ क्रॉप्स वेयर ग्रोन। तो इंडिया के अंदर कितने टाइप की वेराइटीज होती है, बराबर। जैसे टी, एप्पल, ये सब क्या फेमस हो गए, शुगर केन, बाजरी, मूंग, अरद, वो सब कितने सारे यहाँ हमारे होते हैं, पीसीस होते हैं, फिर स्पाइसेस होते हैं, बराबर। ये सब यहाँ हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर होते हैं। विलेजेस आर सेल्फ रिलायंट एंड बेसिक नेसेसिटीज लाइक ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट, क्लोथ, शूज एक्सेट्रा वेयर प्रोड्यूस इन विलेज इकोनॉमी एज वेल एज केटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग वेयर ऑल्सो अंडरटेकन। तो विलेज के अंदर क्या क्या मेन है, बराबर। तो विलेज के अंदर हम देखें तो विलेज के अंदर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, उसके अंदर वो ग्रेन्स करते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बराबर, क्लोथ वो वीविंग करते बनाते हैं, बराबर। जैसे कच्छ में जाए तो वो क्लोथ कैसा मस्त बना देते हैं, हमें चाहिए जैसे कोई वर्क करना है, बराबर, जरदोसी वर्क हो, वो सब कौन बनाता है, या हम बनाते हैं, बराबर। फिर शूज बनाते हैं, वेयर प्रोड्यूस इन विलेज इकोनॉमी, ये विलेज वाले ये सब बनाते हैं, बराबर। ऐसा नहीं कि सिटीज में नहीं बनता, सिटीज में भी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होती है, और ज़्यादातर केटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग, बराबर। केटल रेयरिंग होता है, डेयरी फार्मिंग दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। थस विलेज लाइफ इज वॉज हैप्पी, ज़्यादा सबसे हैप्पी लाइफ का होती है विलेज में। इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन राय चौधरी प्रायर टू 19th century इंडिया वॉज प्रोमिनेंट सेंटर सम आइटम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया वॉज नोन एज कॉटन, जूट, मुस्लिन, वूल, आइडल मेकिंग, इंडिगो, टेराकोट्स, अर्थवर्म एक्सेट्रा, सम ऑफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड। तो इंडिया में ये हिस्ट्री में हमने लिखा है कि राय चौधरी करके उसने बोला था कि 19th century में
सब भी सामग्री यहाँ हमारे यहाँ मिलती थी इंडिया में, बराबर। कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन ही यहाँ होता था मैन्युफैक्चरिंग, बराबर। जैसे कॉटन, जूट, मुस्लिन, आइडियल मेकिंग मीन्स मूर्तियाँ यहाँ भी बनती थी, बराबर। पुरानी मूर्ति भी हमें मिलती है, नई नई मूर्ति बनाकर हम बाहर भेजते हैं, बराबर। इंडिगो जो वाइट कलर को हम वाइट रखने के लिए वो जो गली बोलते हैं वो सब है, बराबर। टेराकोट से अर्थवर्म, अर्थवर्म से हम क्या बोलते हैं सिल्क बनता है, बराबर। ये सब है तो यहाँ एक्सपोर्टेड, यहाँ से बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल कॉटन है तो कॉटन को प्रोसेस करके वो शर्ट टी शर्ट्स वो बनाकर अपना टैग लगा देते हैं, मेड इन यूएसए, मेड इन स्विट्जरलैंड, उस तरह सब ये क्या करते हैं कि अपना टैग लगा देते हैं प्रोसेस करके। मेन तो यहाँ से ही होता है सब, उसके बाद आता है सर्विस। इवन बिफोर 1600 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, इंडिया हैज सिस्टम इन माइनिंग मेटल कॉइन्स, सी हैड वंडरफुल सिस्टम, टाउन प्लानिंग, सेवेज स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, यूनिटी अमंग पीपल, बिकॉज द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर प्रोस्पेक्टस एविडेंस ऑफ दिस फाउंड एट लोथल। तो 1600 बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, पहले से 1600 बिफोर से इंडिया के अंदर मेटल कॉइन, अभी भी मेटल कॉइन हमारे पास जो कॉइन होता है ना हम उसको, जैसे एलिजाबेथ का है तो वो हम पूजा में रखते हैं अपने घर के अंदर, वैसे वो मेटल कॉइन है, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, वो सब क्या होता है तो वो सब मेटल कॉइन हो गए, बराबर है। वंडरफुल सिस्टम टाउन प्लानिंग की, जैसे हम हड़प्पा है, बराबर, फिर मोहनजोदारो, उसमें टाउन प्लानिंग कैसा था, उसमें अभी भी हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग होता है, बराबर। उसके अंदर हम सीवेज की गट ड्रेनेज सिस्टम नहीं होती कई में, अभी भी यहाँ विद्यानगर में पुराना है, जहाँ नाना बाजार है, मोटा बाजार है, वहाँ मोस्ट ऑफ पुराने घर से वहाँ उसको ड्रेनेज फैसिलिटी, अब नई सोसाइटी बनी उसमें नहीं होता, बराबर। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, यूनिटी सबसे पहले क्या था, यूनिटी, बिकॉज द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यहाँ क्या होता था, ट्रेड होता था और मैन्युफैक्चरिंग होता था, बराबर। और मोस्ट ऑफ हमें देखने, पुराने चीज़ों को देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लोथल है, धोलावीरा है, वहाँ हमें ये सब मिल जाता है। उसके बाद है नेशनल इनकम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, हमारी किस तरह इनकम में समृद्धि आए, बराबर, वो देखना है हमें। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन एंगुस मेडिसन, इंडिया वॉज एक्सट्रीमली प्रोस्पेक्ट with 25% of the world wealth during the time of Maurya dynasty. During this time of region is geographical area of present India RS under one ruler. तो most of हम इंडिया के अंदर देखें तो 25% शेयर पूरा एशिया, पूरा ग्लोबल, जो ग्लोब होता है ना उसके अंदर 25% शेयर किसका था, इंडिया का, बराबर। तो रहा 25 और ये 50 और ये 25, बराबर। 25% किसका था, इंडिया का। तो इंडिया के अंदर ये हमारा इंडिया बड़ा था, जैसे मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, बराबर, वो सब थे। तो उसमें क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारा था वो धीरे धीरे क्या हो गया कि धीरे धीरे एक रूल के अंदर उसने किया, अशोका, ग्रेट अशोका बोलते हैं हम, कि उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, सिकंदर, बराबर, वो सब थे। ड्यूरिंग मुगल रूल, जैसे मुगल रूल आया, इंडिया कमांडेड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेल्थ, साउथर्न एशिया रीजन इज हाई टैक्सेस एंड एक्साइज आर जनरेटेड। मुगल रूल आया ना तो साउथ के अंदर उन्होंने 90% क्या चालू कर दिया, टैक्स लेना, कर बढ़ाना चालू कर दिया। टैक्स को क्या बोलते हैं हम, कर, गुजराती में टैक्सेस एंड एक्साइज, वो जनरेट कर दिया। पुराने हमारे पीपल थे ना, जैसे हमारे दादा दादी, उनको खाली पूछना, जैसे हमारे ये बड़े मंदिर है अंबाजी, पावागढ़, वहां जाना होता है ना, उसके लिए भी हमें टैक्स पे करना पड़ता था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब अराउंड 1700 AD द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया 10 crore pounds। एक्चुअली द फॉरेनर केम टू इंडिया फॉर हर रिचेस ओनली, थस द एंशियंट एज वॉज ए गोल्डन एज।
तो जो एंशियंट एज था ना औरंगजेब, औरंगजेब ने कब तक राज किया, 1700 AD। उसके बाद नेशनल इनकम हमारी तब कितनी थी, 10 करोड़ पाउंड। 10 करोड़ पाउंड मीन्स कितने सारे हो गए एक्चुअली द फॉरेनर यहाँ क्या क्यों आए थे, वो पैसे बढ़ाने के लिए अपने आए थे। द एंशियंट एज वॉज ए गोल्डन एज, तो जो एंशियंट एज था ना वो गोल्डन एज था। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा कि एंशियंट इंडिया के बारे में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, नेशनल इनकम, बराबर। तो अब हमारे अगले लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले क्या क्या था हमारे इंडिया में, ब्रिटिश रूल था तब, बराबर, तो वो हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।